गणपति बप्पा जी मंगल मूर्ति। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गणपति बप्पा मोरिया। आज है 19 तारीख, मतलब आज है हमारे हैप्पी गणेश चतुर्थी, मतलब आज हमारे बप्पा जी घर पे आने वाले हैं। तो सोचा आज मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ तो व्लॉग थोड़ी सी लेट स्टार्ट किया क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करनी थी। इतने ज्यादा स्पेशल हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं तो आपको पता है इतनी सारी तैयारियां करनी तो बनती है ना, और यहाँ पे सारी अभी तैयारी हो चुकी है और अभी सारा सामान पैक पड़ा है। अभी जब बप्पा जी आएंगे उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, फिर ये सब कुछ मतलब पूजा के अंदर रखा जाएगा। और यहाँ पे हमारे कन्हैया जी भी लहंगा लूंगा डाल के गणपति बप्पा जी का वेट कर रहे हैं। और यहाँ प्रसाद के अंदर मैंने बनाया है गाइस, ये मैंने आटा गूंद दिया है मतलब, और साथ में बनाए हैं छोले, मतलब छोले फ्राई करे हैं, छोले पूड़ी और हलवा। मतलब आज बप्पा जी के लिए स्पेशल भोग बनने वाला है छोले पूड़ी और हलवे का। तो मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस मैं तो, क्योंकि पहली बार अपनी लाइफ में मैं बप्पा जी को घर लेके आ रही हूँ। और फटाफट मतलब 3 दिन से भागा दौड़ी करके कि कोई कमी ना रह जाए। और कल हम गणपति बप्पा जी के लिए नए बर्तन खरीद के लेके आए जहाँ जिनमें उनको भोग लगेगा। और यहाँ पे हमारा मतलब सारा इत्र और ये लाल कपड़ा जिसमें पप्पा को ढक के लेके आना है, और बाकी ये सारा मतलब पूजा का सामान है। और ये कलश हो गया जैसे, क्योंकि स्टील का कलश चढ़ाया नहीं जाता पप्पा को, इसलिए मैं ये वाला कलश लेके आई हूँ। और सारा बाकी सामान देखो मेरा रेडी पड़ा है इसके अंदर, ये पप्पा जी को गले में डालने के लिए गमछा, गमछा कहते हैं ना, पट गमछा भी बोलते हैं, पटका भी बोलते हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ है गणपति बप्पा मोरिया। तो बहुत सारा सामान लेके आई हूँ मैं। हाँ जी, एक्साइटेड हो? आज पहली बार हमारे घर गणपति बप्पा जी आ रहे हैं। और गाइस, वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि हम इस वीडियो में जैसे हम गणपति बप्पा को एंट्री कराएंगे, उनका स्वागत करेंगे, हाँ। और जैसे जैसे आगे उनकी सेवा करेंगे तो हर दिन उनकी वीडियो बनाएंगे हम, और आपको भी साथ दिखाएंगे कैसे सेवा कर रहे हैं उनकी। गाइस, जल्दी जल्दी में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। कल मैं अपने लिए एक न्यू ड्रेस पसंद करके आ गई बट उठाने का टाइम नहीं मिला मेरे को, क्योंकि इतनी ज्यादा भागा दौड़ी हुई पड़ी है ना। और मेरा मन था कि मैं साड़ी वियर करूं बट साड़ी यार मुझे वियर करनी नहीं आती, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे जब बप्पा आएंगे अच्छी सी मतलब एक साड़ी और पूरी वो लुक करके, क्योंकि बॉम्बे का फेस्टिवल है ये, तो फिर लुक भी वैसी करेंगे हम। और बाकी तैयारियां लगभग हमारी सारी हो चुकी है। गौरी गई हुई एग्जाम देने, टाइम हो चुका है 9:50, तो गौरी जब आएगी एग्जाम देकर उसके बाद, गौरी का बड़ा मन था कि मम्मा मैं भी जाऊंगी साथ, तो गौरी को भी साथ लेके चलेंगे। और बड़े धूमधाम से कहते हैं गणपति बप्पा को जेंट्स लेके आते हैं, मतलब या बच्चे या जेंट्स, मतलब लेडीज लेके नहीं आती, घर की लक्ष्मी बप्पा को लेके नहीं आती, घर की लक्ष्मी बप्पा की सेवा करती है। तो धीरज लेके आएंगे तो आपको सारा मैं व्लॉग दिखाने वाली हूँ गाइस, पूरी धूमधाम से बप्पा का स्वागत करने वाले हैं, तो व्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो व्लॉग के साथ यही बने रहना, तब तक मैं करती हूँ अपनी थोड़ी सी तैयारियां। गाइस, टाइम हो चुका है 11:30, ये गए गौरी को स्कूल से लेने। और इतने यहाँ पे देखो मैंने अपने पूजा की थाली तैयार कर ली हमारे गणपति के स्वागत के लिए, फूल डालने हैं इसमें, अभी फूल फ्रिज में पड़े हैं, और बाकी लाल कपड़ा भी तैयार है, सब कुछ रेडी है, बस वेट है तो बप्पा का हमारे। और गाइस फटाफट जाके मैं नया सूट लेके आई हूँ, अभी लूज है, देखो टाइट भी नहीं करवाया। फटाफट मेरे मन में था ना कि मैं सुच्चा जोड़ा डालू यार, पुराना डालना पड़ रहा है, तो ये कहते चल फटाफट लेके आते, 5 मिनट लगाए फटाफट ये सूट लेके आई जाके। बप्पा ने आना है तो यार खुशी में नया नया सूट तो होना चाहिए, क्योंकि मैं सूट कम डालती हूँ ना, मेरे पास सूट नहीं थे, स्कर्ट मुझे अजीब सी लग रही थी डाली हुई। बाकी गाइस तैयारियां सब है, बस फटाफट यार अब तो सब्र नहीं हो रहा, तो गाइस अब चलते हैं अपने बप्पा को लेने के लिए। ओ चले बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
तेरी जय जयकार, एक दो तीन चार बप्पा तेरी जय जयकार, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, लाइट ऑन कर दो, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। देखो हमारे गणपति बाप्पा जी, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सुंदर लग रही है ना गाइज, ये हमारे गणपति बाप्पा जी, ये इनके हाथ में मोदक सबसे पहले। गणपति जी के लिए हमने छोले, हलवा और पूरी। गाइस देखो ये गर्मा गर्म पूड़ियां वो के लिए और हलवा, हलवा ये रहा, ये हलवा आटे का हलवा बनाया है, काले चने और पूड़ियों का प्रसाद। बाकी हमारे प्रिय गणपति को जो मोदक पसंद है, आज को स्पेशल होना चाहिए ना गणपति जी के लिए। और गाइस इधर बैठे हैं हमारे गणपति बप्पा जी, साथ में लड्डू जी बैठे हैं आप। साथ में बैठा दिए हमने लड्डू जी, गाइस आप भी प्रसाद खा लो मोदक का, और इनके पास रख दिए हमने, आप ये खाएंगे हलवा पूड़ी और छोले। देखो आरती इनकी कर चुके हैं हम, और इधर हमारे लड्डू जी बड़े आज सुंदर लग रहे हैं लहंगा चोली डालकर। प्रसाद ग्रहण करो गणपति बप्पा मोरिया। तो गाइस भोग हमने लगवा दिया है, और अब इनको अकेला नहीं छोड़ना, इनके पास पास रहना है ताकि इनका मन लगा रहे। इनके पास ही बैठे हैं अपन। हाँ, नीचे आ जाओ गोरी, ऊपर नहीं चढ़ना उनके पास। गाइस जब से गणपति जी आए हैं गोरी भी पागल खुश हो गए, कभी खेल रही है। इसको बहुत खुशी हुई, बढ़िया। नीचे उतर जाओ, ऊपर नहीं चढ़ना, नीचे आ जा। गाइस यहाँ लगी काफी तेज भूख, यहाँ गरम गरम रहा नहीं जा रहा। पूड़ियाँ, पूड़ियाँ मम्मी बना रही है, मैंने तो कहा मैं बना देती हूँ दे दो। नहीं कोई बात नहीं, तुम 5 मिनट ना बैठ जाओ वहाँ। हाँ बैठ बैठ जाओ, मैंने कहा सामने कैसे खाएंगे, मैं इसलिए नहीं बैठी, हमारे सामने भोग ग्रहण कैसे करेंगे वो इसलिए नहीं बैठी। गाइस व्लॉग हो चुका है काफी बड़ा, पूड़ी खा के आ चुकी है नींद, और सोचा इसी के साथ व्लॉग खत्म कर दिया जाए, गेट बंद कर गया बेटा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और मुझे बताना जरूर आपको हमारा आज गणपति बप्पा का व्लॉग कैसा लगा, हमारे गणपति जी कैसे लगे और उनका वेलकम कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो अब आपको डेली कंटिन्यू हमारे गणपति जी भी दिखने वाले हैं व्लॉग्स में, जो हमारे घर के न्यू मेंबर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना, बाकी लाइक जरूर करना। मैं करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि गणपति जी भी रेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।